नमस्कार दोस्तों, इस समय ये पोस्ट काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया है। ये डेट आप देख सकते हैं 6 दिसंबर 2023 की है, जिसमें महंत बालकनाथ योगी को मुख्यमंत्री, किरोड़ी लाल मीणा को उप मुख्यमंत्री और दिया कुमारी को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। राजस्थान चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। भगवा दल ने यह चुनाव बगैर किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा। चुनावी नतीजों के बाद लोगों के मन में बार बार एक सवाल आ रहा है, भाजपा नेतृत्व राजस्थान का सीएम किसे बनाएगी। और हैरानी की बात तो यह है कि सोशल मीडिया पर अब ये पोस्ट काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो बिल्कुल भाजपा का आधिकारिक प्रेस रिलीज लग रहा है। इस नोटिस में ऐसा बताया गया है कि भाजपा ने राजस्थान के सीएम के नाम का ऐलान कर दिया है। पोस्ट वायरल होने के बाद भाजपा ने अब इसकी सच्चाई बताई है। नोटिस को आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट करके भाजपा ने इसे फेंक और दोस्तों भ्रामक करार दिया है। वायरल हो रहे फेंक नोटिस में यह बताया गया है कि भाजपा ने महंत बालकनाथ योगी को राजस्थान का मुख्यमंत्री, वहीं दो उप मुख्यमंत्रियों के नाम का भी ऐलान किया है। फेंक प्रेस रिलीज में किरोड़ी लाल मीणा और दिया कुमारी को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। भाजपा ने इस नोटिस को पोस्ट करते हुए लाल रंग से इस पर फेंक लिखा है, वहीं कैप्शन में फेंक अलर्ट लिखा गया है। मंगलवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों के नाम को लेकर विचार किया गया। बता दें कि तीनों ही राज्यों में भाजपा ने बगैर किसी सीएम फेस के चुनाव लड़ा और शानदार जीत दर्ज की। राजस्थान के सीएम पद को लेकर अटकलबाजियों का दौर जारी है। कई दिग्गज चेहरों को लेकर तरह तरह की दोस्तों बातें भी की जा रही हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा चर्चा वसुंधरा राजे के नाम को लेकर है। हालांकि उनके अलावा सीएम पद के लिए बालकनाथ, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, अर्जुन राम मेघवाल जैसे दिग्गजों के नाम भी चर्चा में आए हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुआ है, राजस्थान में हड़कंप मच गया है। हालांकि दोस्तों, बीजेपी कार्यालय की ओर से कहा गया है कि ये पूरी तरीके से फर्जी है और ये फेंक बताया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां ये पोस्ट वायरल होते ही हाहाकार मच गया है। लेकिन बता दें कि जल्द ही बीजेपी दोस्तों सीएम फेस का ऐलान कर सकती है। आपको पूरी जानकारी आगे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।